नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ पत्नी की हत्या कर थाने आया हूं, मुझे गिरफ्तार करो। कैसी से गुजर पत्नी की हत्या की है, हत्या कर पति ने किया थाने में सरेंडर। गांव में दूध का कारोबार करने वाले व्यवसायी ने अपनी पत्नी की देर रात कैंची से गोद कर हत्या कर दी और पत्नी की हत्या कर सुबह थाने पहुंच गया। थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों से कहा, मैंने अपनी पत्नी की हत्या की है और अपने भाई पर भी उसी कैंची से जानलेवा हमला किया है। जिस कैंची से अपनी पत्नी की हत्या की है, थाने में सरेंडर करने आया हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पति ने देर रात अपनी पत्नी की सोते हुए कैंची से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर डाली। आरोपी भाई के चंगुल से भाभी को बचाने के लिए पहुंचे भाई पर भी आरोपी युवक ने कैंची से जानलेवा हमला कर दिया। जानलेवा हमले में आरोपी के भाई की हालत नाजुक बनी हुई है। पत्नी की हत्या और भाई पर जानलेवा हमले के बाद सुबह आरोपी पति थाना पिसावा पहुंचे और खुद को पुलिस के सामने थाने में सरेंडर करते हुए घटना की जानकारी दी। पत्नी पूनम की हत्या की जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस मृतका के गांव पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतका पूनम देवी के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं हत्या के कारणों का पता लगाने के साथ पुलिस जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के थाना पिसावा इलाके के गाँव डेल्टा खुर्द में देर रात एक पति ने अपनी पत्नी की सोते हुए धारदार नुकीली कैंची से गोद कर बड़ी ही बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर डाली। इस दौरान बीच बचाव कर अपनी भाभी को बचाने के लिए पहुंचे भाई पर भी आरोपी युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। भाई पर किए जानलेवा हमले में आरोपी के भाई की हालत भी नाजुक बनी हुई है। अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद पत्नी की हत्या का आरोपी पति सुबह थाने पहुंचा और खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करते हुए कहा, मैंने अपनी पत्नी की हत्या और अपने भाई पर जानलेवा हमला किया है, मुझे गिरफ्तार कर लो। पति के द्वारा पत्नी की हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के गांव डेटा खुर्द गांव के लोगों में उस वक्त दहशत फैल गई, जब गांव में दूध का व्यवसाय करने वाले अमोद कुमार ने अपनी पत्नी पूनम की कैंची से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। देर शाम काम खत्म कर दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सोए हुए थे, तभी देर रात करीब 1 बजे पति अमोद कुमार सोते हुए नींद से जागा और घर में रखी कैंची और पेचकस से अपनी पत्नी पूनम देवी के शरीर पर धारदार कैंची और पेचकस से ताबड़तोड़ वार करते हुए अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। अचानक घर में देर रात हुई इस चीख पुकार की आवाज़ सुनकर परिवार के लोग भी जाग गए। जब चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भाई बीच बचाव कर अपनी भाभी पूनम देवी को बचाने के लिए उसके कमरे में आरोपी पति के भाई पहुंचा, तो उस भाई पर भी आरोपी भाई ने कैंची से जानलेवा हमला कर दिया। कैंची से हुए हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, जिसको परिवार के लोग उपचार के लिए नोएडा लेकर चले गए। वहीं पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति सुबह थाने पहुंच गया। आरोपी युवक के खानदानी चाचा संजय कुमार ने कहा कि 30 वर्षीय मृतका पूनम देवी बुलंदशहर जिले के गांव सलेमपुर की रहने वाली थी। करीब 14 वर्ष दोनों की शादी को हो गए हैं और एक बेटा भी है। आरोपी युवक अमोद की मेंटेलिटी सही नहीं थी। पत्नी पूनम के ऊपर पागलपन के चलते धारदार हथियार से उसने वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। संजय कुमार, क्या हुआ था संजय जी? बच्ची गई, उसके आदमी की हालत थोड़ी मेंटली सही नहीं था वो, और उस पागलपन में उसने जो कुछ किया। क्या किया उसने? किसी धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया। इसमें समय पहले शादी हुई थी या कोई लड़ाई झगड़ा किसी के लिए? तकरीबन 14 साल हो गए शादी को, एक बच्चा भी है उसके पास, लड़का है, और सब बढ़िया है। कहाँ के रहने वाले? डेटा खुर्द। लड़की क्या नाम था? पूनम। कहाँ की रहने वाली? सलेमपुर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। क्या लगता है कि किस कारण उसकी हत्या की गई? ये लगता है सर मुझे तो कि मेंटली वो सही नहीं था लड़का जो है, तो उसने ऐसा किया। क्या उम्र रही होगी बेटी इसकी? बेटी क्या उम्र रही है? करीबन 30 के करीब। आप कौन लगते हैं? मैं खानदानी चाचा हूँ। लड़की के? नहीं, लड़के का। लड़के के चाचा जी। क्या हुआ था? बहन मार दी। किसने? क्या कारण था? कारण कुछ भी ना, आपसी कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। अब उसे क्या असल पड़े, उसे कोई वैसी प्रॉब्लम ही या दारू में या कैसे ही। किस चीज़ से हत्या की गई आपने? या किसी धारदार हथियार से। कोई लड़ाई झगड़ा या पहले ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवार भी सही है, कोई उस परिवार में भी कोई पहले कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। कितने समय पहले शादी हुई? शादी हो गई 14 साल, 14-15 साल के करीब होगी। बच्चे? बच्चे 13 साल का लड़का है।
तो अचानक ऐसा क्या रहा? मैं अभी मैं कान बनवा किसी चीज़ को लेकर या कुछ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम भी फोन गया है, जब भी सही हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी घर में। ये तो रात हमारे घर आज जो सुबह 2:30 बजे करीब फोन पहुँचा। उन्होंने किसी और पर भी हमला किया चीज़ को लेकर? भाई पे करे, आपने बॉडी पे उसकी नस काट दिया हाथ की। वो गली एम्बुलेंस से भर्ती हुआ, वहाँ से अब ऑपरेशन होकर जगह घटना हुई थी। कौन सा गांव? ये गांव है डेटा पिसाई के पास, लालीगढ़ में ही पड़ा है ये। थाना कौन सा लगता है? थाना पिसाया। क्या नाम है आपको? मेरा नाम अशोक है। कौन लगते हैं आप? क्या अच्छा लगता है? भाई लगते हैं क्या? मैं भाई लगता हूँ। क्या लगता है, कुछ और लगता है घटे इस हत्या के पीछे कुछ? देखो ऐसा कुछ भी नहीं बता सकते हम अभी, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि कोई परिवार में हमें कोई ऐसा आदमी नहीं दिख रहा था, कोई साजिश हो या कोई चीज़ हो। तो किस जगह लेके आप इसे, कहाँ पर हैं? अब हम ही लेके आए हैं। अलीगढ़ पुलिस में? हाँ, पुलिस पहुँच गई थी मौके पर? पुलिस बाद में पहुँची है। अच्छा, लड़के को अरेस्ट कर लिया गया? ऐसा लड़का अपने आप ही अरेस्ट हो गया, जाके थाने पहुँच गया। क्या नाम था लड़के? अमोद।